कुरान में कहाँ है मौलिद? उन्होंने मंडे को रोजा रखा, मंडे को रोजा रखो, उन्होंने थर्सडे को रोजा रखा, थर्सडे को रोजा रखो, 1263 बार आया। कभी भी उन्होंने नहीं कहा सहाबा को इकट्ठा करो, कुछ खाना लाओ, कुछ नशीद चलू करो, नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं कि सहाबा में से कौन रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार करता था? अबू बकर साहब, हेशा, हाँ, इंसानियत में से जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उमर, उस्मान अली हसन हुसैन इब्न अब्बास जा सेलिब्रेट किया, सब सहाबा। मुझे एक नाम बताओ जिसने 12th अरेबियन, ठीक है, इस उम्मा के सबसे बड़े उलेमा वो सहाबा के बाद अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद, अल्लाह उनसे राजी हो, ग्रेट स्कॉलर्स, इनमें से किसने मौल सेलिब्रेट किया? मुझे अल उम में ढूंढो, या मुवातिमा मालिक में, या मसाला बहनीफा जो उनके स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड किया, या मसलिमैन, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम शाफी, इमाम मुस्लिम, इमाम दाऊद अरमदी इब्न इमाजा, निसाई इब्न हबनूस। सदियों तक उम्मा को यह नहीं पता था। आओ यार, सही है, जब कोई कुरान से मेंशन करता है और सहाबा से मेंशन करता है और ऐसे, तो ये शेख है जिसे फॉलो करना चाहिए। जब कोई बस पार्टीज करना चाहता है और डांस करना चाहता है और मस्जिद में लोग डांस कर रहे हैं, मस्जिद में बैक फ्लिप्स कर रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था दूसरे दिन, यार ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा था, उन्हें रुकना चाहिए, पॉज का मतलब है रुकना, नो होमो या कुछ, मुझे नहीं पता, ये रिडिक्यूलस है। उन्होंने इस्लाम को मजाक बना दिया, शिया के जो अपने आप को मारते हैं, छोटे बच्चों के सिर काट देते हैं, अल्लाह हम इससे शर्मिंदा हैं, ये कौन सा इस्लाम है, ये क्या है? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जिस दिन रसूलुल्लाह वाफत पर गए या जब उमर रदियन सलाह के दौरान शहीद हुए, उन्हें सलाह के दौरान छुरा मारा गया, तुम ऐसा नहीं करते? उस्मान रदियन अपने घर में शहीद हुए, उनकी बीवी का हाथ काट दिया गया, वो कुरान पढ़ते हुए मारा गया, तो आप ऐसा नहीं करते क्यों? सिर्फ करबला में क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल, क्योंकि आप उम्मा को डिवाइड करना चाहते हो। कुरान में कहां लिखा है ब्लेड्स उठाओ और खुद को मारो? आपको पता है ये इस्लाम नहीं है, माफ कीजिए मैं बेहक कहा,